चर्चा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में किसका होगा हरियाणा। कई सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल यही कि क्या हरियाणा में बीजेपी हजका गठबंधन का मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्या कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है? क्या गठबंधन के बिना बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब होगी? क्या बीजेपी के जो गठबंधन पार्टनर हैं वो आने वाले दिनों में बदलेंगे? बीजेपी के लिए हरियाणा में हजका और इनेलो में से कौन बेहतर साबित होगा? क्या हमारे प्रदेश में मोदी का जादू चलेगा? कई पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। राव नरवीर जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ नरेश यादव हैं, आप हजका के नेता हैं। जगदीश मुखी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरवीर जी, हम आधे घंटे से यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या हरियाणा में मोदी का जादू चलेगा? क्या हरियाणा में मोदी कोई करिश्मा कर पाएंगे? और जिस रैली को लेकर बार बार बात की जा रही है, वो रैली भले ही पूर्व सैनिकों की हो, लेकिन क्या वोट में तब्दील होगी? नहीं, ये जो 15 तारीख को रेवाड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन हुआ, और कोई भी राजनीतिक पार्टी जलसे जलूस रैलियां इसीलिए करते हैं कि अपनी ताकत का आकलन करने के लिए। मोदी जी का जो जादू सिर चढ़ के हरियाणा में बोला, मेरे हिसाब से, मेरे को 26 साल हो गए राजनीति में जी, इतनी बड़ी जनसभा मैंने जल्दी सी इस अहिरवाल के इलाके में नहीं देखी। लोग मन से आए और इतना उत्साह और इतनी बड़ी तादाद में इस जनसभा में लोगों ने भाग लिया। जनसभा तो पूर्व सैनिकों की थी, लेकिन आम आदमी भी इसमें बहुत आए और कई लाख की तादाद में वहां इकट्ठे, और लोगों ने कई कई घंटे तक बैठकर, और इतनी तपती हुई गर्मी में लोग उठे नहीं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में हरियाणा में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी और हजका की इस प्रदेश में सरकार सत्ता, यानी जितना समर्थन आपको रैली में मिला उतना ही वोटों में भी मिलेगा, मेरा ये बात आप मान रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। गोपीचंद गहलोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, हरियाणा विधानसभा के वरिष्ठ नेता हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के। गहलोत साहब, क्या मोदी की रैली हमारे प्रदेश में माहौल को बदलने में कामयाब रही है? और क्या जो बीजेपी का विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, उसकी जमीनी हकीकत आपको दिखती है? मैं तो ये कहूंगा कि आज चाहे वो देश में हो या प्रदेश में हो, लोग कांग्रेस के कुशासन से दुखी हैं, परेशान हैं, तंग हैं, और इसको जितना जल्दी उनको मौका मिलेगा वो उखाड़ फेंकने का मन बनाए हुए हैं। और विकल्प कौन, गहलोत साहब? हाँ, हरियाणा में विकल्प की कोई बात नहीं। हरियाणा में सबको पता कि कांग्रेस का सबसे मजबूत विकल्प जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल है, पहले से ही रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जब भी चुनाव होंगे यहाँ पे कांग्रेस जाएगी और इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी। तो क्या आने वाले दिनों में आप बीजेपी के करीब जा सकते हैं? अब ये तो भविष्य के गर्भ में, मैं कोई इसको ज्यादा नहीं। अभय चौटाला जी के सार्वजनिक तौर पर गहलोत साहब बयान सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ बयान है या वाकई पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है? नहीं, अभय सिंह जी जो कह रहे हैं वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो ठीक सोच समझ के कहा होगा। अभय सिंह जी ने तो एक मिनट में, अभय सिंह, बाकी मैं ये कहूंगा कि जी, हम और बीजेपी में एक समानता है कि वो भी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला सकते, हम भी नहीं मिला सकते। ठीक बात है। बाकी तो ये ए और बी टीमें हैं कांग्रेस की, कौन किस के साथ कब चला जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, बिना शर्त में क्या ये भी शामिल है कि हजका बीजेपी के साथ बनी रहे तब भी आप लोग समर्थन दे सकते हैं बीजेपी को? हमारा हजका के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कांग्रेस की बी टीम है, ये 6 जीत के गए थे। यानी एक शर्त तो ये आ गई कि पहले आप गठबंधन से हजका को बाहर करिए, तब हमारा समर्थन लीजिए। गहलोत साहब, नहीं, नहीं, समर्थन कोई नहीं, समर्थन तो आप बीजेपी का, बंसीलाल जी का भी गठबंधन था, हम गठबंधन से बाहर अपने एमपी जिता के ले आए थे और हमने उनको समर्थन दिया था, उस समय वाजपेयी जी को, ये कोई बात नहीं है। हम तो ये है कि हम कांग्रेस चाहे ए हो या बी हो, किसी के साथ हमारा समझौता नहीं हो पाएगा। तो हजका बी टीम आप मानते हैं ना कांग्रेस पार्टी की? मैं बिल्कुल, ये मैं क्या सारा प्रदेश मानता है। ठीक है, अभी आप नरेश यादव साहब, ठीक है, चौधरी साहब आ रहे हैं, नरेश साहब कहिए। अभी भाई गहलोत जी ने कहा कि भाई हम समर्थन मोदी जी को देंगे, अभय चौटाला जी ने कहा, दिन में 80 में उस दिन मीटिंग हुई तो मीटिंग में इन्होंने कहा कि
मोदी जी की रैली फ्लॉप शो थी और शाम को कह दिया कि हम बिना शर्त के समर्थन देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं गहलोत साहब से कि 1999 में आपका गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2000 में आपकी सरकार बनी थी, 2005 तक आप रहे और 2005 तक भारतीय जनता पार्टी ने आपका जो है बाहर से समर्थन किया, और 2005 में जब चुनाव हुआ तो अगर आपकी पार्टी ने बढ़िया काम करे होते, हरियाणा की जनता में आपकी साख रही होती, गुंडागर्दी नहीं करी होती, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, जातिवाद नहीं किया होता, तो आपकी इतनी बुरी स्थिति होती कि आपके जो है ना 46 एमएलए थे और आपके जो है एमएलए सारे ही आपके एमएलए नो रह गए और आपके सुप्रीमो भी एमएलए का चुनाव हार गए, तो आपको तो हरियाणा की जनता ने पहले रिजेक्ट कर दिया। और जहां तक चौधरी साहब कह रहे हैं कांग्रेस ने काम किया है, भाई कांग्रेस के 2009 में 2005 में 67 एमएलए कांग्रेस के बने, 67 एमएलए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए इनके साथ आ गया, 2 इनेलो के एमएलए भी इनके साथ आ गए और 10 में से 9 निर्दलीय भी इनके एसोसिएट मेंबर हो गए। 80 की टीम इनके पास थी भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, केवल उनको 40 सीट मिली और वो आज निर्दलियों के साथ और दूसरे जो बागी हैं दागी हैं उनके साथ मिलकर के वो सरकार चला रहे हैं। जो रोज आए दिन उन्हें इनके एमएलए जेलों के अंदर जा रहे हैं, काफी जेलों के अंदर बंद है। चुटाला जी की पार्टी के भी 3 एमएलए जेल के अंदर बंद है, इनकी पार्टी के एमएलए भी जेल में है, कुछ जाने की तैयारी में है। तो ये जो जिनके ऊपर आज आरोप तय हो चुके हैं, जो जेल के अंदर बंद है, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांती पार्टी है, उन्होंने इसलिए गठबंधन कुलदीप बिश्नोई जी से किया था कि एक साफ छवि के नेता कुलदीप बिश्नोई है। 3 साल पहले उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान करके भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल लेवल की जो उनकी कमेटी है उन्होंने तय करके इनको गठबंधन का उनको नेता स्वीकार किया और उनको भावी सीएम प्रोजेक्ट किया। आज जो हरियाणा में भीड़ बढ़ रही है, चाहे वो रेवाड़ी में हो, सिरसा में हो, 6 अक्टूबर को हमारी पद यात्रा होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता आदमपुर से चालू होंगे और 2 दिसंबर को एक बहुत बड़ी रैली हमारी कुलदीप बिश्नोई की रैलियों का रिकॉर्ड बढ़ रही है, श्रेय नहीं मिल रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी ने ही हमेशा रिकॉर्ड तोड़ा है और श्रेय हमको मिल रहा है। हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार रिकॉर्ड 2005 में हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती थी, 2009 में परिवर्तन चाहती थी, ठीक है। और अब हजका भाजपा गठबंधन ही एक अल्टरनेट है और जब जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी हरियाणा के राज प्रमुख राजनीतिक दल से समझौता हुआ है तब तब सरकार बनी है। उदाहरण है गहलोत जी देवीलाल जी के साथ अलायंस हुआ तब सरकार बनी, बंसीलाल जी के साथ अलायंस हुआ तब अलायंस की सरकार बनी। हरियाणा की जो मुख्य पार्टी होती है उसका सीएम होता है पहले, और जब भी अलायंस चुटाला जी के साथ हुई तो चुटाला जी सीएम बने। अब यह अलायंस भारतीय जनता पार्टी का हुआ है हजका के साथ और कुलदीप बिश्नोई जी को पहले ही सीएम प्रमोट करके चले, तो अब सीएम अगले सीएम कुलदीप बिश्नोई जी बनेंगे, ठीक है। चौधरी साहब देखिए, मैं बड़े अदब से कहूंगा, हम लोग बातों को मिक्स करके इस तरीके से जा रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे हम नहीं टिक पा रहे। पहले कहा गया कि ये सिर्फ जो है ना स्वतंत्रता सेनानियों का और रिटायर्ड फौजियों की मीटिंग थी, फिर बाद में कह लगे ये सबकी थी, अब कहते हैं कि जी भाजपा सरकार बनाएगी। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनके 2-3-4 विधायक बनते हैं, ये कहते हैं कि हमें किसी के साथ नहीं करना, चौटाला को बिल्कुल नहीं करना। क्या ये भूल गए कि चुटाला और बीजेपी का जब सांझ हुई, अलायंस हुआ, तो बीजेपी ने एक स्टेज पे कहा था कि वो दिन काला दिन था जब हमने फैसला किया, जब हमने वो दिन काला था। आज गोरा क्यों लग रहा है? इसलिए कि स्वार्थ सिद्धि, अपना मकसद लेकर देश प्रदेश के मामले में चिंता नहीं है। डेवलपमेंट की बात करो और तरीके से जनहित की बात करो। गहलोत साहब, आप बीजेपी अच्छी क्यों लग रही है? जवाब है कहा इनके पास? मीठा मीठा हाथ करवा करवा थू, जो मिल जाए अपना, ना हो तो बात है तो पूछो कौन था, पता नहीं। गहलोत साहब गहलोत साहब की हमारी आवाज आपको मिल रही है? भूल जाइए, आपको कोई सीटें मिलने वाली हैं और उन लोगों से अलायंस की बात कर रहे हो जिनको आप कल तक कहते थे कि हम डकैतों और बेईमानों के साथ साथ आप गठबंधन नरेश करते क्या वही बात है? एक मिनट मैं बात कहूंगा। नरेश जी ने कहा कि इनके आदमी एमएलए जो है जेल में, अरे भाई अपने ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखो। एक तरफ कहते हो कि सपोर्ट करने वाले इंडिपेंडेंट आ गए, और अगर इंडिपेंडेंट
हम पकड़े गए किसी बात में, इन्वॉल्व कर दिए गए जायज नजायज, मैं बहस नहीं करूंगा, तो वो फिर इंडिपेंडेंट से कांग्रेस के बना दिए गए। क्यों अपने सच को, अपने अंदर की उस ताकत को तो परखो। गहलोत साहब आवाज मिल रही है आपको? मिल तो रही है, सुनेगा कैसे हो? लगता है गोपी चंद गहलोत साहब हमारे साथ नहीं, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नरवीर जी, कल तक बीजेपी के साथ गठबंधन अच्छा नहीं था, आज आप भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं, हजका के साथ आप प्रदेश में हैं, इनेलो समर्थन की तैयारी में है, सारी गोटियां सारी बिसात सेट की जा रही है, तो फिर वो सिद्धांत वो उसूल कहाँ चले गए जिनसे कल तक आप सीख ले रहे थे, और आज सत्ता में आने के लिए वो सारी सीखें एक तरफ रख दी गई? नहीं, आज हमारा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में भाजपा का समझौता है। ठीक है, ये आप अपनी बात कह रहे हैं कि भाई ये समझौता नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, और ये मुझे नहीं लगता कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता कहीं इधर उधर हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की रेवाड़ी में जनसभा सभा हुई और लोग जिस प्रकार इकट्ठे हुए, मेरा ये आकलन है कि आने वाले समय में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस आकलन का आधार लोगों के चेहरों से पता लगा, लोगों की हाजिरी से पता लगा, लोगों के जोश से पता लगा। हरियाणा में लोग कांग्रेस की नीतियों से तंग हैं, आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था चरमरा गई हरियाणा में, एजुकेशन में कोई आज किताबें नहीं किसी स्कूल में, लोग परेशान हैं, इंडस्ट्रियां उद्योगपति पलायन करने को तैयार बैठे हैं, ग्रोथ एग्रीकल्चर खत्म हो चुका प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश को हम हरित प्रदेश कहा करते आज वहां का किसान भी परेशान है। जगदीश मुखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुखी साहब हरियाणा से आते हैं, उन्होंने खुद भी कहा दिल्ली में बड़े वो वरिष्ठ नेता है। मुखी साहब अगर हम मुद्दों को तलाशने की कोशिश करें, जाहिर तौर पर बीजेपी के एजेंडे पर पहले लोकसभा का चुनाव होगा और फिर विधानसभा का चुनाव, हमारे प्रदेश में स्थिति थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि संभवतः चुनाव एक साथ हो जाए लोकसभा और विधानसभा के, किन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी के अलावा किन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी? हरियाणा में हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा हुड्डा सरकार का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से उन्होंने देश की हरियाणा की धरती को आंगन पांग बनने के अंदर बेचा है और भ्रष्टाचार किया है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर रहेगा। भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर ग्रोथ रेट जिसके टीवी पर चर्चा करते हैं, किंतु वास्तविकता ये है, ये एक एग्रीकल्चर स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, और उसके लिए ये हुड्डा सरकार जिम्मेवार है। किसने कह दिया पुअरेस्ट है? इस प्रकार से जो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं वही इनके लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है। भ्रष्टाचार, महंगाई और जो ग्रोथ रेट को इन्होंने स्लो डाउन किया है, ये मुद्दे वहां पर रहेंगे। और ये जिस प्रकार से हर गली कूचे के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आम आदमी को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर रहेगा।